हमारा प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ अथवा खिलाफत आंदोलन क्या है अथवा खिलाफत आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे? इन सभी प्रश्नों पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, स्पेशली खिलाफत आंदोलन के विषय में। तो खिलाफत आंदोलन से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके एग्जाम में बनते हैं, जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव के रूप में आते हैं, तो सबसे पहले उन्हें देखेंगे, उसके बाद से सब विस्तार इस प्रश्न पर चर्चा करेंगे। तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह का जब भी मैं वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं खिलाफत आंदोलन का महत्वपूर्ण फैक्ट, उसके बाद से सब विस्तार चर्चा देखेंगे। तो हमारा पहला फैक्ट है, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 1919 या 1920 में, 1919-20 में यह शुरू होता है, और बेसिकली 1919 में यह स्टार्ट होता है। आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 1919 में, और लखनऊ से। याद रखेंगे कि स्थान कहाँ था, लखनऊ से प्रारंभ हुआ था। मुख्य नेता कौन थे? तो अली बंधु, सम्मिलित रूप से इनको अली बंधु कहा जाता था, लेकिन ये दो भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, यानी मोहम्मद अली और शौकत अली खिलाफत आंदोलन के मुख्य या अग्रणी नेता थे। अब देखिए खलीफा क्या होता है, खलीफा सबसे पहले समझेंगे तभी हम लोग खिलाफत आंदोलन को समझ पाएंगे। तो खलीफा तुर्की का धार्मिक सुल्तान या शासक होता था। वास्तव में खलीफा किसे कहा जाता था? तो जब हजरत मोहम्मद साहब या पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई तो उनके उत्तराधिकारियों के रूप में जो भी व्यक्ति आए उन्हीं को खलीफा कहा जाता था, अर्थात हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारियों को खलीफा कहा जाता था। तो तुर्की के धार्मिक सुल्तान ही या शासक ही खलीफा होता था। आइए आगे देखते हैं, खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन में कब बदल गया? उस समय भारत में दो आंदोलन चल रहे थे, लेकिन भारत में इस आंदोलन का प्रभाव थोड़ा कम हो गया, तो यह असहयोग आंदोलन में गांधी जी के द्वारा बड़े व्यापक पैमाने पर चलाया जा रहा था उस समय यह आंदोलन। तो 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन में विलय हो गया। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किए, यानी अब यहां से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन का सपोर्ट नहीं किया। तो आप याद रखेंगे कि मदन मोहन मालवीय ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया। हम बता दें कि मदन मोहन मालवीय जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, अर्थात BHU है, उसके संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष उस समय किसे चुना गया? तो अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष थे। तो आइए अब हम लोग सविस्तार इस प्रश्न पर चर्चा करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की की पराजय के फलस्वरूप ऑटोमन साम्राज्य को भी विघटित कर दिया गया था। यानी प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 18 के बीच लड़ा गया, उसमें ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की लड़ रहा था, तो ब्रिटेन की विजय हुई, तुर्की की पराजय हुई, तो उसी के फलस्वरूप ऑटोमन साम्राज्य को विघटित कर दिया गया, मतलब बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। तुर्की के सुल्तान को अपने शेष प्रदेशों में भी अपनी सत्ता के प्रयोग से वंचित कर दिया गया। अब तुर्की के सुल्तान भी अपने शेष जो प्रदेश बचे थे उस पर अपनी सत्ता का प्रयोग नहीं कर सकता था, ऐसा एक संधि हुआ था, सेवर्स की संधि हुआ था। खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों के बीच अपने इस्लामिक धार्मिक पदों को बचाने के लिए एक व्यापक आंदोलन था। अब आइए देखते हैं जो यह आंदोलन था, इस आंदोलन की मुख्य मांगे क्या क्या थी, यह आंदोलन क्यों किया जा रहा था। तो मुख्य मांगे क्या थी सबसे पहले इसी को देखते हैं। पहला था, तुर्की के सुल्तान या खलीफा को पर्याप्त लौकिक अधिकार प्रदान किया जाए ताकि वह इस्लाम की रक्षा कर सके। यानी खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ मुख्य रूप से भारतीय मुसलमानों ने जो तुर्की का खलीफा पद था उसको समाप्त कर दिया जा रहा था, तो खलीफा पद को यथावत बनाए रखने के लिए यहाँ के भारतीय मुसलमानों ने इस आंदोलन को प्रारंभ किया। क्योंकि भारत में भी अंग्रेज लोग रह रहे थे, इसलिए भारत में भी इस आंदोलन का प्रारंभ हुआ। दूसरा था, अरब प्रदेशों को मुस्लिम शासन या खलीफा के अधीन किया जाए। जो भी अरब प्रदेश हैं, अरब क्षेत्र हैं, उन सभी प्रदेशों पर या तो मुस्लिम शासक ही शासन करेगा या खलीफा ही शासन करेगा। यह मतलब खिलाफत आंदोलन के मुसलमानों का मांग था। तीसरा था, खलीफा को मुसलमानों के पवित्र स्थानों का संरक्षक बनाया जाए। यानी कि जो खलीफा का पद है उनको न समाप्त किया जाए,
खलीफा को मुसलमानों के पवित्र स्थानों का संरक्षक बनाया जाए। अब नोट देख लेते हैं, 17 अक्टूबर 1919 को संपूर्ण भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया। 17 अक्टूबर 1919 को संपूर्ण भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया है, इसे याद रखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो पर।